हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सर्किल पर। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 11.1, पर्सनालिटी 11.1। इससे पहले हम 10 पर्सनालिटी कंप्लीट करा चुके हैं, 10 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी हो या कोई बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो, चैनल पर नया हो, तो कृपया उन वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नई वीडियो डालने पर नोटिफिकेशन समय से आ सके। आज हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी नंबर 11.1, यानी के वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो पुरानी बुक थी आपकी एनसीईआरटी, उसमें 11 चैप्टर था आपकी रचनाएं, वो आपके सिलेबस से काट दिया गया है। अब ये आपका 11 चैप्टर की जगह वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हो गया है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, सेगमेंट यानी कि त्रिज्याखंड, वृत्तखंड, सेक्टर क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर अगली वीडियो में हम क्वेश्चनों को करेंगे वन बाय वन। तो आइए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हमें पढ़ना है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ सर्किल। हमने ये वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या आर है, ये रेडियस इसकी कितनी है आर। हमें इसकी जो परिधि है, परिधि कितनी हो जाएगी, इसकी परिधि होती है ये जो लेंथ होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि। और परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, ये होती है इसकी त्रिज्या। यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, व्यास, यानी कि आर और आर। हम व्यास को क्या कह सकते हैं, 2 आर। अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई का मान हम क्या लेते हैं, व्यवहारिक रूप से 22/7 या फिर 3.14। क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम पाई का मान 22/7, जैसी जहां आवश्यकता होगी वहां पर हम 22/7 या फिर 3.14 ले सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब हम पढ़ते हैं त्रिज्याखंड क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। ये हमारे पास एक सर्किल है और हमने यहां पर एक त्रिज्याखंड बनाया। त्रिज्याओं द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटना क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड। इसको हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड, यानी कि सेक्टर बोलते हैं हम इसको। और ये होता है हमारा लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड। अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। ये यदि कोण थीटा डिग्री है और हमें इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया कितना होगा त्रिज्याखंड का, जो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब हमें ये पता है ये पूरा 360 डिग्री का कोण है, 360 डिग्री का पूरा कोण है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, नीचे 360 का और मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर थीटा से। तो ये इसका लघु त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। अब ये आता कहां से है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। हम जानते हैं कि यदि ये पूरा सर्किल है, ये पूरा सर्किल है, ये 360 डिग्री का होता है, यानी कि 360 डिग्री कोण का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यदि मैं थीटा डिग्री का क्षेत्रफल निकालूं, ये थीटा डिग्री होगा, तो थीटा डिग्री का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटे 360, यानी कि हमने यूनिटरी मेथड से इसका क्षेत्रफल निकाल दिया। तो आई होप आपको त्रिज्याखंड के बारे में पता चला होगा। अगर हमसे दीर्घ त्रिज्याखंड की बात करेगा तो हम लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल के वृत्त के क्षेत्रफल में से उसको घटाकर हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, अब हम पढ़ेंगे वृत्तखंड का हम क्षेत्रफल
किस तरीके से निकाल सकते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे क्वेश्चनों में देखते हैं। सबसे पहले हम वृत्तखंड को पढ़ लेते हैं। वृत्तखंड होता क्या है? यह हमारे पास एक सर्किल है, अच्छा नहीं बना फिर भी आप समझ नहीं लेंगे। हमें यह पता है, लास्ट चैप्टर में हमने जीवा के बारे में पढ़ा था, यानी कि कोड के बारे में पढ़ा था। ऐसा लाइन सेगमेंट जो वृत्त के दो बिंदुओं को इस पर टच करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? जीवा AB। ये जीवा इस वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, जिसको हम बोलते हैं वृत्तखंड। ये छोटे वाला, इसको हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और इसको हम बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। यदि हमें किसका क्षेत्रफल निकालने की बात करें, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालने की बात करें, तो हम इनका क्षेत्रफल किस तरीके से निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हमने एक त्रिज्याखंड बनाया, हमें क्षेत्रफल निकालना है इस पार्ट का। हमें यहां से एक आइडिया मिलता है, यदि मैं त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से, इस त्रिज्याखंड के पूरे क्षेत्रफल में से यदि मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमारे पास क्या बना, त्रिभुज, ये साइड, ये त्रिज्या आर है और ये त्रिज्या आर है। यदि मैं इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल सब्स्ट्रैक्ट कर देता हूं, घटा देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आइए करते हैं, इसके लिए हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अभी हमने देखा था कितना था, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। ये हमारा त्रिज्याखंड यानी कि सेक्टर का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था। यदि मैं इस क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल इसको नाम दे लेते हैं ओ, ए ओ बी, ए ओ बी, ये घटा देता हूं, तो मुझे इसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैं आसानी से निकाल सकता हूं। अब हमारे पास प्रॉब्लम यह आएगी कि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। बच्चों इसके लिए मैं आपको बताता हूं, यदि हमारे पास कोई त्रिभुज है इस रूप का है और ये कोण हमारे पास थीटा डिग्री है, ये साइड एक्स है और ये साइड वाई है, तो यदि मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, 1/2 x into y साइन थीटा, और साइन थीटा की आप वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके होंगे, मैंने इस चैनल पर भी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कराई हुई है। तो इस तरीके से हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है निकाल सकते हैं। हम क्या देखते हैं, यहाँ ये साइड और ये साइड, ये और ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो हम यहां से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, 1/2 r² sin थीटा। तो इस तरीके से हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम इसका फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 माइनस 1/2 r² sin थीटा। यदि हमें ये कोण थीटा पता है तो हम इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा हमारे पास थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 r² sin थीटा। आई होप आपको वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्याखंड और लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफलों के बारे में कंप्लीट जानकारी हुई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं जिससे वीडियो डालने पर आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में 11.1 के क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।